यूपी से उत्तराखंड को अलग करने के पीछे सबसे बड़ा आधार माना गया पहाड़, पहाड़ का विकास, क्योंकि यूपी में यह संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन 2002 में पहला अस्थाई परिसीमन हुआ तो लोगों की आंखें खुल गई कि पहाड़ से सीटें कम हो रही हैं। 2008 के दूसरे परिसीमन में और भी खतरा सामने दिखाई दिया, 6 सीटें नीचे चले गई। इस बार तीसरा परिसीमन सामने खड़ा है, क्या है परिसीमन का गणित, समझिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में होने वाला तीसरा परिसीमन राज्य में बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत दे रहा है। पहाड़ की विधानसभा सीटें फिर कम होंगी और मैदान की सीटें बढ़ जाएंगी। ये परिसीमन 2026 में होगा और पूरी आशंका है कि इससे पहाड़ की 4 से 6 सीटें फिर कम हो जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो इससे पर्वतीय राज्य का राजनीतिक भूगोल पूरी तरह से बदल जाएगा। सबसे पहले राज्य में परिसीमन की स्थिति को समझिए। मौजूदा समय में उत्तराखंड में मैदान की 36 और पहाड़ की 34 विधानसभा सीटें हैं। उत्तराखंड गठन के 2 साल बाद 2002 में चुनाव से पहले अस्थायी परिसीमन किया गया था। इसके बाद जनवरी 2008 में पूरे देश के साथ उत्तराखंड के विधानसभा क्षेत्रों का नया परिसीमन अस्तित्व में आया। इस परिसीमन में पहाड़ की 6 सीटें कम हो गई और मैदानी क्षेत्रों में बढ़ गई। इसी परिसीमन के आधार पर 2012 में चुनाव हुए थे। आबादी के हिसाब से राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से जो सीटें कम हुई थी उनमें चमोली से 1 सीट, नंदप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल से 2 सीटें, धुमाकोट और बीरोखाल, पिथौरागढ़ से 1 सीट, कनाली छीना, बागेश्वर से 1 सीट, कांडा और अल्मोड़ा से 1 सीट भिकियासेण कम हो गई। पर्वतीय जिलों से सीटें घटी तो मैदानी क्षेत्रों में बढ़ गई। परिसीमन के बाद देहरादून और नैनीताल जिलों में 1-1 सीट और हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में 2-2 सीटें बढ़ गई। अब 2026 में होने वाले तीसरे परिसीमन में क्या होगा, क्योंकि परिसीमन का आधार जनसंख्या को बनाया गया है, लिहाजा इसका सीधा मतलब है कि जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी और जहां जनसंख्या कम होगी वहां सीटें कम हो जाएंगी। उत्तराखंड में पलायन का दर्द किसी से छिपा नहीं है। 2011 जनगणना हुई थी, तब से लेकर अब तक उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों से बेतहाशा पलायन हुआ है और लोग बड़ी संख्या में मैदानी इलाकों में बस चुके हैं। एक बड़ी आबादी पहाड़ों से पलायन कर चुकी है, यानी पहाड़ों में जनसंख्या घनत्व कम हुआ है और मैदान की जनसंख्या बढ़ गई है। ऐसे में 2026 के परिसीमन में पहाड़ की सीटें कम होनी तय है। 2008 में जब परिसीमन हुआ तो पता चला उत्तराखंड के पहाड़ों से 6 सीटें कम हो गई है और मैदान की सीटें बढ़ गई हैं। इसके बाद लोगों की चिंता बढ़ी। एक और राजनीतिक दलों के लोगों ने पहाड़ छोड़कर मैदान की तरफ भागना शुरू किया अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर, और कुछ जो चिंतक थे उनका विचार ये रहा कि इस पूरे मामले को कोर्ट के सामने चुनौती दी जानी चाहिए। मामला कोर्ट तक पहुँचा, कोर्ट ने इस मामले को डिस्पोज ऑफ भी कर दिया ये कहते हुए कि ये सब कुछ सरकार के हाथ में है, परिसीमन भौगोलिक आधार पर हो या जनसंख्या के आधार पर हो ये सरकारों को तय करना है, कोर्ट को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बाद अब मामला पूरी तरह से राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पाले में पहुंच चुका है। अब जबकि नैनीताल हाईकोर्ट भी परिसीमन के मामले की गेंद सरकार के पाले में डाल चुका है और नेता भी पहाड़ से पलायन करते जा रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि आने वाला समय पहाड़ और उसके विकास के लिए कितना डरावना होगा। हालांकि राजनीतिक दलों से जुड़े लोग परिसीमन के मुद्दे पर लगभग एक जैसी राय रखते हैं। पलायन इसका मुख्य कारण है और जब तक नेता, अधिकारी और जो पूंजीपति हैं वो अपना पलायन नहीं रोकेंगे तब तक गांव का पलायन नहीं रुक सकता। खाली भाषणों में कहने से पलायन नहीं रुकेगा। अगर एक पैसे वाले को, एक अधिकारी को, एक नेता को ये छूट है कि वो अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को शहरी वातावरण में रखे, सुविधाजनक वातावरण में रखे, तो अधिकार गाँव के आदमी का भी है। आप गाँव में अच्छे स्कूल्स खोलिए, आप हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ प्रॉपर दीजिए, आप सड़कें अच्छी कीजिए, गांव में पानी की सुविधा कीजिए, तो क्यों आदमी पलायन करेगा? आप उनके जीवन के स्तर को उठाने की कोशिश ही नहीं कर रहे, खाली भाषण देने से पलायन नहीं रुकेगा। और पलायन रुकेगा तभी हम पहाड़ की सीटों को बचा सकते हैं, अन्यथा दिक्कत आएगी। देखिए ऐसा नहीं है, अब तो जब से ऑल वेदर रोड बनी है, रेलवे कनेक्टिविटी हो रही है, बड़ी संख्या में अब पलायन बैक हो रहा है, लोग बड़ी संख्या ऊपर आ रहे हैं। और काफ़ी पिछली बार भी आप उसकी अगर केदारनाथ की आपदा का आंकड़ा देखेंगे और उसके बाद आज का देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोगों का वापसी आना हुआ है। और अब मुझे नहीं लगता ये ठीक है कि इस प्रकार के संदेह की दृष्टिकोण से हम लोग प्रयास करेंगे, उत्तराखंड की सरकार प्रयास करेगी कि केंद्र में हम किस प्रकार से परिसीमन के लिए और खासतौर जो हिमालयी राज्य हैं उस पर क्या इसकी नीति बननी चाहिए, उस पर एक विचार करने की आवश्यकता है। वो दिशा में हम सब लोग बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल भौगोलिक आधार पर परिसीमन करना एक बड़ी चुनौती है और सरकार के हाथ में बहुत कुछ है। अगर पहाड़ के भविष्य को संवारना है तो इसके लिए विकास जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये भी है कि पहाड़ का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बचा रहे।
कल्पना कीजिए, एक पर्वतीय राज्य की विधानसभा हो और उस विधानसभा के भीतर पहाड़ की आवाज़ उठाने वाले विधानसभा सदस्य ना हो या बहुत कम संख्या में हो, क्या तस्वीर बनेगी? क्या पहाड़ी राज्य का भविष्य खतरे में नहीं रहेगा अगर पहाड़ों की आवाज़ उठाने वाले विधायक ही कम हो जाएंगे? अब सवाल ये है कि सरकार कितनी संजीदा है, क्योंकि एक संवैधानिक मसला भी है। बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट करने की आवश्यकता होगी, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को मिलना पड़ेगा और कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि अगर परिसीमन आयोग का गठन बहुत जल्दी होने वाला है और सबकी नज़रें अब टिकी हुई हैं क्या इस बार आयोग करने जा रहा है, और 2026 जब आएगा सबकी नज़रें उस परिसीमन की पूरी कार्रवाई पर टिकी होगी। कैमरामैन नवजीवन भंडारी के साथ हेमवर्ट, जय भारत टीवी।